नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है संजय कुमार शर्मा और आज की वेबिनार में मैं आपका स्वागत करता हूं। जीएसटीएन द्वारा आयोजित इस वेबिनार में आज मैं आपके सामने क्वार्टरली रिटर्न्स विद मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स स्कीम के बारे में चर्चा करूंगा। शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि जीएसटीएन से हमारे दो साथी श्री रफी अहमद किदवई और श्रीमती अंकिता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप जो भी सवाल पूछना चाहें प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में YouTube के कमेंट बॉक्स में डाल दें और हम उसका जवाब देंगे वेबिनार के साथ साथ। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज हम मुख्यतः तीन चीजों की बात करेंगे। एक तो ये कि QRM पे स्कीम क्या है, दूसरा इस स्कीम के लिए आप कैसे अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप कैसे स्कीम में आ सकते हैं या इससे बाहर निकल सकते हैं, और अगर आप इस स्कीम में आ जाते हैं तो आपके ऊपर क्या क्या कंप्लायंसेस लागू होंगी। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि ये स्कीम क्या है, इसके बेसिक्स क्या है, तो देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहली बात यह है कि 1 जनवरी 2021 से QRMP स्कीम पोर्टल पे लागू हो जाएगी। इसके लागू होने के बाद जो टैक्स पेयर इस स्कीम के पात्र हैं उनके पास ऑप्शन होगा कि वो GSTR 1 और GSTR 3 भी दोनों क्वार्टरली बेसिस पे फाइल कर सकते हैं। आज की डेट में आप क्वार्टरली बेसिस पे GSTR 1 तो फाइल कर सकते हैं, लेकिन 3 भी आप अभी भी मंथली बेसिस पे ही फाइल करते हैं। तो आगे आने के 1 जनवरी के बाद या तो आप फॉर्म GSTR 1 और फॉर्म GSTR 3 भी सिर्फ मंथली बेसिस पे ही फाइल कर पाएंगे या आप दोनों रिटर्न्स सिर्फ क्वार्टरली बेसिस पे ही फाइल कर पाएंगे। तो इसके लिए आप जानना चाहेंगे कि कौन से टैक्स पेयर्स हैं जो इस स्कीम के पात्र हैं, जो इस स्कीम में आ सकते हैं। तो उसके लिए वो टैक्स पेयर्स जिनका टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, इसका मतलब है कि आपका पैन बेस्ड टर्नओवर पिछले साल और इस साल दोनों में 5 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। आप एक नॉर्मल टैक्स पेयर हो सकते हैं, आप SEZ यूनिट हो सकते हैं, आप SEZ डेवलपर हो सकते हैं, आप वो टैक्स पेयर भी हो सकते हैं जो कंपोजिशन स्कीम से बाहर आए हैं, और आप वो वाले टैक्स पेयर भी हो सकते हैं जिन्होंने नया रजिस्ट्रेशन लिया है एज ए नॉर्मल टैक्स पेयर। अब इसमें जरूरी बात यह है कि अगर साल के किसी भी क्वार्टर में आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर चला जाता है तो अगले क्वार्टर से आप इस स्कीम के पात्र नहीं रहेंगे, आप इस स्कीम से बाहर आ जाएंगे। दूसरी बात ये कि स्कीम में आने के लिए या स्कीम से बाहर निकलने के लिए आप पूरे साल में किसी भी क्वार्टर से पहले अपना ऑप्शन दे सकते हैं, ये ऑप्शन पूरे साल खुला रहेगा। हालांकि इसकी एक विंडो रहेगी जिसकी चर्चा हम अभी करेंगे। एक और जरूरी बात जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए वो ये है कि जनवरी 2021 और मार्च 2021 का जो क्वार्टर है उसके लिए वो टैक्स पेयर्स जो पहले से ही रजिस्टर्ड हैं और जिनका 2019-20 वर्ष का एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ के तक था, वो लोग एक डिफॉल्ट ऑप्शन के द्वारा QRMP स्कीम में या तो रहेंगे या नहीं रहेंगे। वो कैसे रहेंगे वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, इस टेबल में दिया हुआ है। उसके साथ दूसरी बात यह है कि इन्होंने अपना अक्टूबर माह का GSTR 3B रिटर्न अगर 30 नवंबर तक फाइल कर दिया है, उस स्थिति में क्या होगा, वो टैक्स पेयर्स जिनका टर्नओवर पिछले साल 1.5 करोड़ रुपए तक था और जो आज की तारीख में अपना फॉर्म GSTR 1 मंथली बेसिस पे फाइल कर रहे हैं, वो मंथली स्कीम में ही रहेंगे, मतलब वो QRMP स्कीम में बाय डिफॉल्ट नहीं आएंगे। दूसरे वो टैक्स पेयर्स हैं जिनका पिछले साल एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ तक था लेकिन वो अपना GSTR 1 आज की तारीख में भी क्वार्टरली बेसिस पे फाइल कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली QRMP स्कीम में आ जाएंगे। और तीसरी कैटेगरी उन टैक्स पेयर्स की है जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा था और 5 करोड़ तक था, वो लोग बाय डिफॉल्ट क्वार्टरली रिटर्न स्कीम में आ जाएंगे। इसका मतलब QRMP स्कीम में ऑटोमेटिकली माइग्रेट हो जाएंगे। जो टैक्स पेयर्स 5 करोड़ से ऊपर है ऑब्वियसली वो लोग इस स्कीम के पात्र नहीं है, तो उनके ऊपर डिफॉल्ट ऑप्शन अप्लाई नहीं होगा। अब वो टैक्स पेयर्स जिन्होंने अपना अक्टूबर
2020 का GSTR 3B रिटर्न 30 नवंबर तक फाइल नहीं किया है, उनका क्या होगा? वो लोग बाई डिफॉल्ट मंथली टैक्सपेयर बने रहेंगे। अब आप ये जानना चाहेंगे कि अगर मेरे को डिफॉल्ट ऑप्शन के द्वारा QRMP स्कीम के अंदर ले आया गया है तो क्या मैं इससे बाहर आ सकता हूं? तो बिल्कुल आप बाहर आ सकते हैं। 5 दिसंबर 2020 से ये ऑप्शन पोर्टल पे दे दिया गया है और ये ऑप्शन 31 जनवरी 2021 तक लागू रहेगा। आप वहां पर पोर्टल पे जाकर के लॉग इन करके अपना ऑप्शन चेंज कर सकते हैं और आप QRMP स्कीम से बाहर आकर के मंथली टैक्सपेयर बने रह सकते हैं। इसके लिए कुछ जरूरी बातें हैं। आपका जिस तारीख में आप पोर्टल पे जाकर के अपना ऑप्शन चेंज करना चाहते हैं, QRMP स्कीम से बाहर आना चाहते हैं, उस तारीख तक की आपकी GSTR 3B की रिटर्न जो भी एप्लीकेबल थी वो फाइल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि फॉर्म GSTR 1 का में कोई भी डेटा पोर्टल पे आपका सेव्ड नहीं होना चाहिए। एक और जरूरी बात है, अगर आपके एक ही पैन के ऊपर मल्टीपल GSTINs हैं, मतलब कि एक पैन है लेकिन एक से ज्यादा GSTIN है, तो उसमें से कुछ GSTIN QRMP स्कीम में रह सकते हैं और कुछ GSTIN QRMP स्कीम से बाहर रह सकते हैं। तो अब ये देख लेते हैं कि अगर आपको साल के बीच में इस स्कीम के अंदर आना है या बाहर जाना है तो आप कैसे कर सकते हैं और इसकी विंडो कब से कब तक खुली है। तो ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट की जो ऑप्शन है वो पिछले क्वार्टर के दूसरे महीने की पहली तारीख से लेकर के करंट क्वार्टर के पहले महीने की आखिरी तारीख तक ये विंडो खुली रहेगी, जिसमें आप इस क्वार्टर के लिए QRMP स्कीम से या तो बाहर निकल सकते हैं या इसमें आ सकते हैं। इसमें भी वही कंडीशन लागू रहेगी कि आपकी जो एप्लीकेबल GSTR 3B रिटर्न है, जो फाइल हो जानी चाहिए थी जिस तारीख पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, वो फाइल्ड होनी चाहिए। तो उदाहरण के तौर पे अगर आप 27 जुलाई को पोर्टल पे जाकर के अपनी ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आपकी GSTR 3B की रिटर्न जो या तो 22 को या 24 को एप्लीकेबल होगी डिपेंडिंग ऑन योर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, वो फाइल्ड होनी चाहिए। एक और बात है कि एक बार आपने अपनी ऑप्शन एक्सरसाइज कर ली, आप QRMP स्कीम के अंदर आ गए या उससे बाहर आ गए, तो वो तब तक चलती रहेगी जब तक आप उसको खुद रिवाइज ना कर लें या आपका एग्रीगेट टर्नओवर उस साल 5 करोड़ से ऊपर ना चला जाए। आपको बार बार ये ऑप्शन एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये टेबल में दिया हुआ है कि कौन सी विंडो किस क्वार्टर के लिए ओपन है। तो हम साल के पहले क्वार्टर की बात करते हैं। पहला क्वार्टर है अप्रैल टू जून, इसकी जो विंडो है इस साल की 1 फरवरी से लेकर के 30 अप्रैल तक खुली रहेगी। इसी तरह से जो दूसरा क्वार्टर है जुलाई अगस्त सितंबर, इसकी जो विंडो है वो 1 मई से लेकर के 31 जुलाई तक खुली रहेगी। तीसरा क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसकी विंडो 1 अगस्त से लेकर के 31 अक्टूबर तक आपके लिए खुली रहेगी। और जो चौथा क्वार्टर है जनवरी फरवरी मार्च का, उसकी विंडो आपके लिए पिछले साल की 1 नवंबर से लेकर के 31 जनवरी तक खुली रहेगी। अब आप जानना चाहेंगे कि अगर आप न्यूली रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं, आपको अभी अभी रजिस्ट्रेशन मिला है, तो क्या आप पहले दिन से ही QRMP स्कीम में आ सकते हैं या आपको टाइम लग सकता है? तो इसमें जो टाइमलाइंस है वो सिंपल और सेम है। ये डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी तारीख को रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ है। तो मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। अगर आपको 31 जनवरी 2021 को रजिस्ट्रेशन मिला है तो क्योंकि वो पिछले करंट क्वार्टर की विंडो में है, क्योंकि आपकी जो करंट विंडो है वो इस क्वार्टर के पहले महीने की आखिरी तारीख तक खुली हुई है, तो आप तुरंत ही QRMP स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपका रजिस्ट्रेशन 1 फरवरी या दूसरे और क्वार्टर के दूसरे या तीसरे महीने के किसी भी तारीख और तारीख में मिलता है तो आपको ये ऑप्शन एक्सरसाइज पोर्टल पे जाके करनी पड़ेगी, जो आपको मिलेगी अगले क्वार्टर से। इसका मतलब ये हुआ कि जो इस क्वार्टर का दूसरा और तीसरा महीना है इसके लिए आपको मंथली रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी और अगले क्वार्टर से आप QRMP स्कीम के द्वारा क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल कर पाएंगे। अभी तक काफी
काफी टाइम से आपका जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है उसके हिसाब से अगर आपका टर्नओवर एक लिमिट के नीचे था तो आपके लिए जीएसटीआर 3B की डेडलाइन नॉर्मल टैक्स पेयर के मुकाबले जिनका टर्नओवर ज्यादा था उनसे भिन्न थी। अब ये स्कीम परमानेंट हो गई है। अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में हैं, मतलब कि आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है और आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन स्टेट्स में फॉल करता है जो मैंने यहाँ टेबल में लिखी हुई है, तो आपके लिए जीएसटीआर 3B रिटर्न की जो दाखिल करने की तारीख है वो अगले महीने की या तो 22 तारीख होगी, और अगर आप हैं हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा वगैरह वगैरह से, तो आपकी तारीख अगले महीने की 24 तारीख होगी। अब देख लेते हैं कि अगर आप पोर्टल पे जाकर के क्यूआरएमपी स्कीम में ऑप्ट इन करना चाहते हैं या क्यूआरएमपी स्कीम से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो आप पहले जीएसटी पोर्टल पे जाकर के अपने क्रेडेंशियल्स यूज करेंगे, लॉग इन करेंगे, उसके बाद आप सर्विसेज चूज करेंगे, रिटर्न्स चूज करेंगे और फिर ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न देखेंगे अब पे क्लिक करेंगे। मैं आपको स्क्रीनशॉट के साथ दिखा देता हूँ कि कैसे करेंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पर आप सर्विसेज पे गए, उसके बाद आप रिटर्न्स पे गए, उसके बाद आप देख लीजिए इसमें आप देखिए आप गए सर्विसेज पे, फिर आप गए रिटर्न्स पे, फिर आप गए ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न पे। तो जब आपने उसको क्लिक किया तो आपके सामने फाइनेंशियल ईयर खुल जाता है, और जब आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये चारों क्वार्टर इस विंडो में खुल जाएंगे। जिस क्वार्टर के लिए आप पात्र हैं, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको मंथली और क्वार्टरली और ये ग्रीन कलर में दिख रहा है, इसमें आप अपनी ऑप्शन चूज करके मंथली या क्वार्टरली फाइलिंग चूज कर सकते हैं। इससे इसी इसी पेज पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक एडवाइजरी का बटन बना हुआ है और इसके ऊपर एक हेल्प का बटन बना हुआ है। तो अगर आपको हेल्प सेक्शन में कुछ देखना चाहते हैं तो वो आपको यूजर मैनुअल एफएक्यू में जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से हेल्प पे क्लिक करके हेल्प सेक्शन देख सकते हैं, और उसी तरह से आप एडवाइजरी भी देख सकते हैं। एडवाइजरी का देखिए ये स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, अगर आप एडवाइजरी पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि क्यूआरएमपी स्कीम क्या है, आप कौन कौन इसके पात्र हो सकते हैं, क्या आप इसके लिए पात्र हैं, आप इसको कैसे अवेल कर सकते हैं और कब से कब तक कर सकते हैं और इसके फायदे क्या है। इसी तरह से अगर आप हेल्प पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी जानकारी उसी पेज पर मिल जाएगी। उसके बाद आप अपना चॉइस यहां पर एक्सरसाइज कर सकते हैं, ऑप्ट इन कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। आप चाहे क्वार्टरली चूज करें, अगर आप मंथली हैं तो आप क्वार्टरली चूज कर रहे हैं, और अगर आप क्वार्टरली हैं तो आप मंथली चूज कर रहे हैं। तो जब भी आप जो भी चॉइस करेंगे यहां पर, उसके बाद आपको ये कंफर्मेशन का बटन मिलेगा, और इस पे जब आप ओके करेंगे तो आपके पास आपकी प्रोफाइल सक्सेसफुली सेव होने का ये मैसेज आएगा। तो ये हमने नेविगेशन देख लिया, अब इसकी कंप्लायंसेस देख लेते हैं। तो अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में आ गए हैं तो आपके ऊपर क्या कंप्लायंसेस होंगी, आप पहले आप GSTR 1 क्वार्टरली तौर पे फाइल करेंगे, और जाहिर सी बात है GSTR 3B भी आप क्वार्टरली तौर पे ही फाइल करेंगे। अब आपके मन में ये शंका हो सकती है कि मैं अगर क्वार्टरली टैक्स पेयर हूं तो मैं अपने रेसिपिएंट को, अपने बायर को पहले एक और पहले महीने की और दूसरे महीने में ITC पास ऑन कर सकता हूं कि नहीं, और कर सकता हूं तो कैसे कर सकता हूं। तो उसके लिए एक सहूलियत दी गई है पोर्टल पे जिसको कहेंगे इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, ये आपको पोर्टल पे ही उपलब्ध होगी, और इसमें आप पहले महीने की B2B इनवॉइसेस अगले महीने की 1 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक अपलोड कर सकते हैं। उसमें एक ही कंडीशन है कि इनकी एग्रीगेट वैल्यू, टोटल वैल्यू 50 लाख तक होनी चाहिए। तो पहले महीने भी आप ये कर पाएंगे और दूसरे महीने भी आप कर पाएंगे। एक मुख्य बात यह है कि अगर पहले महीने में आपकी 50 लाख से कम रह जाती है एग्रीगेट वैल्यू, तो वो आप ऐड करके अगले महीने में नहीं कर पाएंगे, अगले महीने में भी आपकी जो लिमिट है वो 50 लाख ही रहेगी। ये इनवॉइसेस 1 से 13 जैसे मैंने बताया आप कंटिन्यूअसली अपलोड कर सकते हैं। अब एक और बेनिफिट आपको ये होगा कि आपने जो भी इनवॉइस डिटेल्स पहले और दूसरे महीने में IFF पे अपलोड कर दी हैं, आपको
दोबारा उनको फॉर्म GSTR 1 में डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पोर्टल अपने आप उनको यहां से उठाएगा। अब पेमेंट ऑफ टैक्स का देख लेते हैं। आपको पहले महीने का और दूसरे महीने का टैक्स दूसरे महीने और तीसरे महीने की 25 तारीख तक जमा करना है। उसके लिए एक फॉर्म मुहैया कराया गया है जिसका नाम है PMT 06। इसके द्वारा आप पेमेंट करेंगे और इसमें जब आप चालान जनरेट करेंगे तो वहां पर आप सेलेक्ट करेंगे मंथली पेमेंट ऑफ क्वार्टरली टैक्स पेयर, ये कारण आप चूज करेंगे और उसके बाद चालान जनरेट करेंगे। टैक्स पे करने के लिए भी दो तरीके आपको दिए गए हैं और दोनों मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा। एक है फिक्स्ड सम मेथड। फिक्स्ड सम मेथड में क्या होता है कि अगर आप पहले क्वार्टरली टैक्स फाइलर थे और आपने जितना भी टैक्स कैश के द्वारा पिछले क्वार्टर में जमा किया है उसका 35% प्री पॉपुलेटेड होकर के आपके चालान में आएगा और वो चीज आपको अपने कैश लेजर से पे करनी है। अगर आप इससे पहले मंथली टैक्स फाइलर थे तो उस महीने में, मतलब इस क्वार्टर से पिछले महीने में, आपने जितना भी टैक्स कैश के माध्यम से पे किया है उतना ही अमाउंट प्री पॉपुलेट होके आएगा और आपको उतना ही पैसा जमा करना है। ये जो ऑप्शन है फिक्स्ड सम मेथड, ये या जो दूसरा मेथड है जिसको कहेंगे हम सेल्फ असेसमेंट मेथड, ये आपको चालान के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा और ये आपको उसी टाइम पर चूज करना है। अगर आप सेल्फ असेसमेंट मेथड चूज करते हैं तो उस केस में होता है, उस केस में क्या होगा कि आप अपना ITC पूरा का पूरा इस्तेमाल करके जितना आपका एक्चुअल अमाउंट दे है वो आप पे कर सकते हैं। तो आप एक्चुअल टैक्स पे कर रहे होंगे ना कि एक फिक्स्ड अमाउंट। अब एक और मुख्य बात यह है कि अगर आपके टोटल लेजर्स में जो अमाउंट पड़ा है, यानी कि आपका जो कैश लेजर है या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है उसका पूरा, उसमें सबका जो, उसमें जितना भी अमाउंट अभी आज की तारीख में आपके पास है अगर वो आपके इस टैक्स अमाउंट से ज्यादा है तो आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको PMT 06 भी जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपकी लायबिलिटी जीरो है तो भी आपको पहले और दूसरे महीने में ये फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो भी पैसा आप PMT 6 के माध्यम से पहले और दूसरे महीने के टैक्स की तरफ जमा कर देंगे उस पे कुछ बंदिश रहेंगी। एक तो ये कि आप उसको क्वार्टर के एंड में जब आप GSTR 3 भी रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें ही इस्तेमाल कर पाएंगे। इस अमाउंट को ना तो आप रिफंड ले सकते हैं उससे पहले और ना ही आप इसको किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें अगर आप फिक्स्ड सम मेथड चूज करते हैं तो आप पूछना चाहेंगे कि इसमें आपको फायदा क्या है। तो इसमें फायदा ये है कि अगर बाद में क्वार्टर के एंड में जब आप GSTR 3 भी रिटर्न फाइल कर रहे हैं और ये पाया जाता है कि आपका एक्चुअल पेएबल टैक्स पहले महीने का और या दूसरे महीने का आपके 35% अमाउंट से ज्यादा था, तो वो जो ज्यादा वाला अमाउंट है जो आपने जमा नहीं किया पहले महीने PMT 06 के द्वारा या दूसरे महीने PMT 06 के द्वारा, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा टैक्स पेयर को इस केस में है। अब अगर आप इसको 25 तारीख तक जमा नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। अगर आप GSTR 3 भी रिटर्न भी ड्यू डेट तक फाइल नहीं करते हैं तो भी इंटरेस्ट लगेगा, बट अगर आप सब कुछ तारीख पे फाइल कर रहे हैं तो आपके ऊपर पहले और दूसरे महीने के लिए एक्सेस पेएबल टैक्स अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन जो टैक्स पेयर सेल्फ असेसमेंट मेथड के द्वारा टैक्स पे करेंगे उनके ऊपर इंटरेस्ट नॉर्मल कोर्स में लगेगा, यानी कि जो भी अमाउंट उन्होंने पे नहीं किया है जो या शॉर्ट पे किया है उसके ऊपर उनको टैक्स इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पहले 2 महीने के लिए अगर कोई डिले हो जाती है टैक्स पेमेंट में तो उसके ऊपर लेट फी लागू नहीं है, इंटरेस्ट है बट लेट फी नहीं है। लेकिन अगर आपने GSTR 3 भी रिटर्न की फाइलिंग में डिले कर दिया
या आपने फॉर्म जीएसटीआर 1 लेट फाइल किया तो लेट फी आपके ऊपर लगेगी। तो दोस्तों आज हमने तीन चीजों की बात की, एक तो ये कि क्यूआरएमपी स्कीम क्या है, इसकी क्या मुख्य प्रावधान है, दूसरा आप पोर्टल पे जाकर के कैसे स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए ऑप्ट इन कर सकते हैं या ऑप्ट आउट कर सकते हैं, और तीसरा अगर आप स्कीम में हैं तो टैक्स पेमेंट, रिटर्न फाइलिंग, इंटरेस्ट लायबिलिटी और लेट फी किस तरह से लगेगी। आशा है आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण रहा होगा। मैं जीएसटीएन के तरफ से आप सभी का धन्यवाद करता हूं हमें सुनने के लिए, और ख़त्म करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे और ट्विटर पे। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सीईओ जीएसटीएन श्री मनीष सिन्हा साहब का, एसवीपी सर्विसेज श्री राजीव अग्रवाल साहब का, और मेरे साथी श्रीमती अंकिता और श्री रफ़ी अहमद किदवई का। धन्यवाद।